ट्रिक टू रिमेम्बर नेम ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक अस के फॉर्म में और एक के फॉर्म में। अस जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो अस लगाते हैं, जैसे फेरस, जब फेरस आयरन का प्लस टू होता है तो अस यूज़ करते हैं, और आयरन का जब प्लस थ्री होता है तो आईसी यूज़ करते हैं, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आईसी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इन दोनों से, अस और एक से, बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके अलावा अस और पर भी हम यूज़ करते हैं। अस और पर के लिए क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी अस से भी छोटा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फिर हम अस के जगह पे हाइपो लगाते हैं, और आईसी यानी इक जब यूज़ करते हैं तो उससे भी बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आ रहा है तो हम उसे पर यूज़ करते हैं। जैसे कि इस दिए गए एग्जाम्पल से ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जैसे एस सी एल ओ टू क्लोरस एसिड, तो क्लोरीन का प्लस थ्री है तो हम इसे क्लोरस कह रहे हैं। अब यहाँ देखिए एस सी एल ओ है, तो एस सी एल में क्लोरीन का प्लस वन है, तो प्लस थ्री से प्लस वन हो गया। तो जब प्लस थ्री से प्लस वन हो गया, इसका मतलब अस से छोटा है, तो क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोरस एसिड। अब यहाँ देखिए एस सी एल ओ थ्री क्लोरीन का प्लस फाइव है तो हम बोल रहे हैं क्लोरिक एसिड। क्या बोल रहे हैं? क्लोरिक एसिड। तो जब एच सी एल ओ फोर है, यहाँ पे प्लस सेवन है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं पर क्लोरिक एसिड बोलेंगे हम। यहाँ पे हम बोलेंगे पर क्लोरिक एसिड। मतलब साफ हो गया पूरी तरीके से कि अगर अस से छोटा है तो हाइपो यूज़ करते हैं, और इक से बड़ा है तो हम पर यूज़ करते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, ऑर्थो और मेटा के बारे में भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। एसिड्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एम ओ एच का होल एन, प्रिफिक्स ऑर्थो इज़ यूज फॉर देम। स्टूडेंट्स, ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनको हम एम ओ एच का होल एन के फॉर्म में लिख पाएँ, उसमें हम ऑर्थो प्रिफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे एच थ्री बी ओ थ्री है, इसमें हम बी ओ एच का होल थ्राइस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे ऑर्थो बोरिक एसिड। उसी तरीके से एच सिक्स टी ई ओ सिक्स टी ई ओ एच का होल सिक्स लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे ऑर्थो टेलुरिक एसिड। एच फोर एस आई ओ फोर एस आई ओ एच का होल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम ऑर्थो सिलिसिक एसिड कहेंगे। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, एच थ्री पी ओ थ्री जो कि बहुत ही फेमिलियर कंपाउंड है, जिस पे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, पी ओ एच का होल थ्राइस ऑर्थो फास्फोरस एसिड कहते हैं इसको। ऑर्थो इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि इसमें ओ एच के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इन केस द एसिड विद जनरल फार्मूला एम ओ एच होल एन आर इट्स सॉल्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट, देन प्रिफिक्स ऑर्थो इज ऑल्सो यूज आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, अगर हम एम ओ एच के फॉर्म में किसी भी कंपाउंड को लिखें लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी हम उसे उसमें से वाटर निकालेंगे और उसके एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें भी हम ऑर्थो लगाते हैं, जैसे कि पी ओ एच का होल फाइव, पी ओ एच का होल फाइव ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एच फाइव पी ओ फाइव आपने कभी देखा है? नहीं। तो इसमें से वाटर रिमूव करिए, वाटर रिमूव करिए तो क्या बन जाएगा? एच थ्री पी ओ फोर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। उसी तरीके से यहाँ ये देखिए आई ओ एच का होल सेवन, जिसे हम एच सेवन आई ओ सेवन कहेंगे, इसमें से एच टू ओ निकालेंगे और क्या बन गया? ये एच फाइव आई ओ सिक्स, जिसे हम ऑर्थो जोड़ेंगे और इक जोड़ेंगे, तो क्या हो गया? ऑर्थो पीरियोडिक एसिड। स्टूडेंट्स, अब हम मेटा के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्थो एसिड माइनस एच टू ओ इज इक्वल टू मेटा इज यूज्ड। अगर हम किसी ऑर्थो एसिड में से एच टू ओ को रिमूव कर दें तो हम उसमें मेटा वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि एच थ्री पी ओ थ्री है ऑर्थो फास्फोरस एसिड, इसमें से हम एच टू ओ निकाल दें तो बन गया एच पी ओ टू, जिसे हम मेटा फास्फोरस एसिड कहेंगे। एच थ्री बी ओ थ्री है, माइनस एच टू ओ करेंगे, बचेगा एच बी ओ टू, चूँकि माइनस एच टू के हैं इसलिए मेटा वर्ड यूज़ करेंगे, तो मेटा बोरिक एसिड। एच थ्री पी ओ फोर माइनस एच टू ओ एच पी ओ थ्री, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज मेटा फास्फोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, मेटा कब यूज़ करते हैं? जब ऑर्थो एसिड में से एच टू ओ रिमूव कर देते हैं तो हम उसमें मेटा यूज़ करते हैं। अब यहाँ आएंगे हम,
स्टूडेंट्स, अब यहाँ ये देखें, प्रीफिक्स पायरो का इस्तेमाल कब करते हैं? इधर आइए देखें, यूज्ड फॉर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्थो एसिड, यूज्ड फॉर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्थो एसिड। देखिए पायरो कब लगाते हैं? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो एसिड माइनस एस टू ओ इज इक्वल टू पायरो एसिड। कोई भी ऑर्थो एसिड लीजिए, उसका दो गुना करिए, दो गुने में से वाटर रिमूव करिए और पायरो पा जाइए। तो पायरो पाने के लिए क्या करना होगा आपको? ऑर्थो एसिड का दो गुना करिए, उसमें से वाटर निकालिए और उसके बाद आपको पायरो फास्फोरिक एसिड मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए H3PO4 है, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड माइनस इसका दो गुना हमने किया, माइनस एस टू ओ करेंगे H4P2O7, दैट इज़ पायरो फास्फोरिक एसिड। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, टू एस टू ओ सो फोर, एस टू ओ सो फोर है, माइनस एस इसका दो गुना करेंगे, माइनस एस टू ओ करेंगे तो H2S2O7 मिला, जिसे हम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। टू एस थ्री पी ओ थ्री माइनस एस टू ओ इज इक्वल टू H4P2O5, जिसे हम पायरो फास्फोरस एसिड कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो एसिड है, उसमें से वाटर रिमूव करिए उसका दूना करके और उसके बाद आपको पायरो मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, पायरो को हम डाई भी यूज़ करते हैं, डाई इज़ आल्सो यूज इंस्टेड ऑफ पायरो। तो पायरो के जगह पे हम डाई भी यूज़ करते हैं, तो इसे हम पायरो फास्फोरस एसिड तो कह रहे हैं, लेकिन हम इसे डाई फास्फोरस एसिड भी कह सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, पराक्सी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पराक्सी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स ऑब्टेन बाई रिप्लेसमेंट ऑफ ओ बाई ओ आर कॉल्ड पराक्सी एसिड्स। एग्जाम्पल HNO4, इसे हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे पराक्सी नाइट्रिक एसिड। H3PO5 पराक्सी फास्फोरिक एसिड। H2SO5 पराक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम कैरोज एसिड भी कहते हैं। इसका जब ऑक्सीडेशन निकालेंगे आप, तो सल्फर का -2 से +6 होता है, लेकिन ये इसका बाउंस कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो इसे हम कैरोज एसिड कहते हैं। इसका नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, कैरोज एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, H2S2O8 है, जिसे हम परॉक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे और इसे हम मार्सल एसिड भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम के परस्पेक्टस में बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोज और मार्सल एसिड। इन दोनों में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये बाउंस कर जाएगा, यानी +6 से ऊपर जाएगा, और इसका +6 से ऊपर जाना ही यह इंडिकेट करता है कि इसके अंदर परॉक्सी लिंकेज प्रजेंट है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनके हमने स्ट्रक्चर पहले से बना रखे हैं। H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड या फास्फीनिक एसिड, फास्फीनिक एसिड भी कहते हैं और हाइपोफास्फोरस एसिड भी कहते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप कि इसे फास्फोनिक एसिड भी कहते हैं। इसका मैंने स्टूडेंट फिगर बना लिया है, फोटो बना लिया मैंने इसका, पी डबल बॉन्ड ओ, PH PH PO H। इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1, बिकॉज 1 हाइड्रोजन इज अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। हम यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन ही रिमूव कर सकते हैं। जब पीएच बॉन्ड होगा, पीएच बॉन्ड होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और यहाँ पे एच है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1, तो एन फैक्टर कितना होगा? 1। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, H3PO3 देखिए, इसे हम ऑर्थोफास्फोरस एसिड कहेंगे क्योंकि हम इसको POH का होल तरह इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसे हम फास्फोनिक एसिड भी कहेंगे। तो H3PO2 को हम बोलेंगे फास्फीनिक एसिड और इसे क्या बोलेंगे? फास्फोनिक एसिड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, पी डबल बॉन्ड ओ, PH, POH, POH, दो एच हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2, और एन फैक्टर कितना होगा? 2, और पीएच बॉन्ड यहाँ भी है तो यह भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेकिन H3PO3 और H3PO2 में सबसे स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ये वाला होगा, क्योंकि इसमें दो पीएच है। क्लियर हो गया कि जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगी। अब स्टूडेंट्स आएंगे हम ऑर्थोफास्फोरिक एसिड के ऊपर, H3PO4, इसका फिगर हमने बनाया, पी डबल बॉन्ड ओ, OH OH OH, इसकी देखिए बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3, ट्राई बेसिक होगा ये। उसी तरीके से आ जाइए स्टूडेंट्स, H3PO5 में, इसे हम परॉक्सी फास्फोरिक एसिड कहेंगे, जहाँ पे देखिए दो परॉक्सी लिंकेज हैं। इसका इन फैक्टर कितना होगा? 1, 2 और 3, तीन इन फैक्टर होगा इसका, और यहाँ पे परॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। हाँ,
इसके बाद हम फिफ्थ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, एच फोर पी टू ओ फाइव, जिसे हम पराक्सी फास्फोरस एसिड कहते हैं, सॉरी प्रॉक्सी नहीं, पायरो फास्फोरस एसिड कहेंगे, एच फोर पी टू ओ फाइव पायरो फास्फोरस एसिड। और इसका फिगर मैंने बना दिया है, पी एच पी एच पी ओ एच पी ओ एच पी डबल बॉन्डो पी डबल बॉन्डो और ऑक्सीजन सैंडविच है। इसका एन फैक्टर कितना होगा स्टूडेंट्स? दो, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि दो जो है इसके साथ जुड़े हैं। यह भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि पी एच पी एच बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अब स्टूडेंट्स छठे कंपाउंड पे आ जाइए, सिक्स कंपाउंड पे, एच फोर पी टू ओ सिक्स, जिसे हम हाइपो फास्फोरिक एसिड कहेंगे, जहाँ पे पी डबल बॉन्ड ओ पी एच पी ओ एच पी ओ एच पी ओ एच पी ओ एच पी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे पी पी लिंकेज है। यहाँ पे ऑक्सीजन सैंडविच था, लेकिन यहाँ पे सैंडविच नहीं है। यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा? फोर। आप देख रहे हैं एच 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 एच, एन फैक्टर फोर। उसी तरीके से सातवें पे आएंगे, एच फोर पी टू ओ सेवन, जिसे हम पायरोफास्फोरिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए एच 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 एच, और ये इसमें भी दो फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन का सैंडविच है, तो एन फैक्टर कितना हो गया स्टूडेंट्स? फोर। उसी तरीके से आ जाइए अब आप आठवें कंपाउंड के ऊपर, एच फोर पी टू ओ एट, जिसे हम प्रॉक्सी डाई फास्फोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉक्सी डाई फास्फोरिक एसिड। सब लोग मिलकर बोलेंगे प्रॉक्सी डाई फास्फोरिक एसिड इसे कहते हैं, जहाँ पे दो फास्फोरस के बीच में दो ऑक्सीजन एक दूसरे से परॉक्सी लिंकेज में जुड़े हैं। इसका भी एन फैक्टर कितना होगा स्टूडेंट्स? एक दो तीन चार, एन फैक्टर कितना होगा? फोर। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, एच पी ओ थ्री का होल थ्राइस साइक्लो ट्राई मेटा फास्फोरिक एसिड, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक लिनियर के फॉर्म में और एक साइक्लिक के फॉर्म में। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए बेंजीन के जैसा, जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन का, तो उसमें डबल बॉन्ड तो रखते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं रखेंगे, ओ पी ओ पी ओ पी, और उसके बाद पी डबल बॉन्ड ओ पी ओ एच पी डबल बॉन्ड ओ पी ओ एच पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, उसके बाद जो है ये हमारा कंप्लीट बन के तैयार हो गया। अब आइए स्टूडेंट्स इस पे देखिए, एच पी ओ थ्री का होल एन लीनियर पॉलीमेटा फास्फोरिक एसिड कहेंगे, लीनियर पॉलीमेटा फास्फोरिक एसिड, क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलीमेटा फास्फोरिक एसिड। यहाँ देखिए कैसे एग्जिस्ट करेगा, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ का होल एन, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये इधर चलता चला जाएगा, कारवां रुकेगा नहीं, कारवां थमेगा नहीं। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। ओके।